अपने मामा बाबा के बगैर आज पहला दिन है बच्चों का नानी के घर, और रात उनकी बहुत अच्छी गुजरी है, अभी भी सो रहे हैं आराम से। वो पता ही नहीं है उनको, अभी वो खुश हैं। एक दिन गुजरने के बाद जो है ना, कबूतर हमारे बाहर निकले हुए और हैं अभी जैकोबिन वाले। अंदर चलो, कैसे निकले। हमारा ये दरवाजा टूट गया है, यहाँ पे जो वेल्डिंग थी ना वो ठीक नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम फे महरजादा, एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस साइड पे सूरज भी निकल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है सूरज हमें। कमाद में एक परिंदा होता है जिसे हमारी जबान में जाल कुकड़ बोलते हैं, बोलता बड़ा प्यारा है। और ये उड़ गया, काफ़ी बड़ा है, मतलब इसे भी मुर्गी बोला जाते हैं। मुर्गे सारे यहाँ पर आए हुए हैं, और मकई जो है वो यहाँ पर रख के बिखेर दी गई है ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और माशाल्लाह से अब तिल की फसल जो है वो ग्रीन ग्रीन नज़र आना शुरू हो चुकी है। ये वाला सफ़ेदा नीचे लटका हुआ है, इसकी कटाई करनी चाहिए ताकि गुजरने वालों को कोई मसला पेश ना आए। ऊपर से टूट रहा है, कुल्हाड़ी से ही करनी पड़ेगी। हमारे इन पौधों ने अब ग्रो करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे अब उम्मीद लग रही है कि ये अच्छे से फल फूल रहे हैं, तो इस जगह की सफाई का भी ख्याल ज़्यादा रखा जा रहा है। वैसे पहले भी रखा जाता था, जॉनी बुला रहे हैं हमें। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि इस जंगले में और नलके के आसपास हम ग्रास लगाएंगे, तो आज मैंने पता किया ग्रास का, तो वो कहते हैं जी कि वो सावन में लगेगा, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जैसे ही आप लगाएंगे वो खुश्क हो जाएगा। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम सुभान और हुज़ैफा, क्या हाल है सुभान? सुभान है कौन है पहले दस, ये कौन है? हुज़ैफा है। सुभान माशाल्लाह कल आया था हमारे साथ और बिल्कुल फ्रेश घूम फिर रहा है। ठहर जा, मैं बाहर कर देना। फजर किधर गई? इंजरामसन तू भी छाटा मोड़ आ जा सन। जॉनी क्या हुआ? पकड़ लो। ओ जॉनी भाग गया, सुबहान इसे तंग ज़्यादा करता है इसलिए भागता है। इस बकैन के पौधे की वजह से यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, और अब माशाल्लाह ये ऊपर निकलता जा रहा है, लेकिन इसके जो नीचे नीचे वाली शाखें हैं वो हम तोड़ रहे हैं। ये शाखें दोबारा हो जाएंगी, लेकिन इसकी जो मेन शाख है उसको हम कुछ भी नहीं कह रहे, इसकी खैर है। वैसे ये तो खुश्क होकर गिर भी जाती हैं, इससे ये है कि हमारा पौधा भी बच जाएगा, कटाई भी नहीं करना पड़ेगी, और ये छोटी छोटी शाखें भी इसकी तोड़ देते हैं। ऐसे शाखें तोड़ने से ये ग्रो अच्छे से करेगा। बंदर जा रहे हैं, मांगने वाले भाई हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने बिजनेस को जा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह दिखने में काफ़ी वो हट्टे कट्टे हैं तो मांगना इनका बिजनेस ही है, क्योंकि इनको कोई कारोबार करना चाहिए, इन्होंने मांगने को ही कारोबार बनाया हुआ है। अब अच्छा लग रहा है ये पौधा माशाल्लाह, नीचे से ये बिल्कुल खाली हो गया। अब सुबह ने किश है
इस डब्बे को देख के कह रहा है चिड़िया का घर है वे। जाने उतर बैठी है वे। कबूतर खुद नहीं आ रहे थे, सुभान कहता है मुझे पकड़ के दो। डरता नहीं है सुभान इनसे। ओह कुछ नहीं आता। क्या हुआ फादला? सुभान रुजाफा कबूतरों के पीछे हैं और वो भी डर के बेचारे वापस डरबे में जा रहे हैं। फजर आराम से पकड़ना है इसे। कोई उड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। वो खुद आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं प्रिंस। ये लो, ख्याल से रखना इसे, बिल्ली ना पकड़ ले। फाइनल सुभान ने कबूतर पकड़ ही लिया। पहले डर रहा था वो, डर खत्म हो गया, दोबारा नहीं है घुटी ना इनो। सुभान ने कबूतर पकड़ा है और वो सभी को दिखा रहे हैं और मैं सुभान के पीछे हूँ, कहीं वो उसको दबा ही ना दे। पकड़ तो उसने बड़े अच्छे तरीके से। इधर पकड़ देता हूँ आपको भी। हुज़ैफ़ा की रेटिंग थोड़ी सी कम होगी, परेशान है। मेरे से ज़्यादा सुभान को टाइम मिल रहा है, सभी उसी को उठा रहे हैं। शुज़ैफ लोगों से कह रहा है वो खोलो। शाम ढल रही है और हमारे पौधों को पानी की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। सुबह टाइम हमने पानी दिया था और अब ऐसे जैसे कई दिनों से इनको पानी ना मिलो। सुबह टाइम सुबहान कबूतरों के दवाले था और अब जॉनी के। तंग हो गया इससे। ये कौन है? ये तो ना की है बिल्ले दा जॉनी। ओए वो बुला रहा है। घर जावने? घर छड़ आवा, इथे ही रहना है। हाँ, इथे ही रहना है। कल सुबहान और फजर हमारे साथ आए थे और मुश्किल एक रात उन्होंने गुजारी और अभी जो है वापस जाने की तैयारी उनकी। फजर तो कहती है कि मैंने नहीं जाना, लेकिन सुभान मुरझाया हुआ है, बात भी नहीं कर रहा और गुस्सा भी कर रहा है और ये भी नहीं कह रहा कि मैंने वापस जाना है। लेकिन उनकी मामा की कॉल आई है कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा बच्चों के बगैर और उनको पहुंचा दें, तो अभी उनकी तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले शज़ीब काफ़ी देर से हमें कह रहा है कि आप दिखाएँ, तो क्या दिखाना है चलें। उससे पहले यहाँ पर जॉनी सुकून कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा, कितने आराम से पड़ा हुआ है। क्या हुआ जॉनी? बैंगन माशाल्लाह फिर से लग रहे हैं, पहले ये लगना बंद हो गए थे और जब से हमने यहाँ पर जो हाँ स्प्रे करवाया ना, ये फिर से हो रहे हैं। चलें गुड न्यूज़ है, मिर्चें मैंने पहले देखी। चलें जाते जाते बता देते हैं कि शहज़ेब लोगों ने न्यू फ्रिज ली है और वो हमें विजिट करवाना चाह रहे थे। मिठाई मिठाई भी खिलानी है आपने साथ साथ, क्योंकि मिठाई के अलावा देखने का मज़ा नहीं आएगा ना। क्या ख्याल है? हमारे शेरों ने पेट निकाला हुआ है और जानवरों ने भी नहा लिया है। और यार एक और गुड न्यूज़ तो हमने अपने व्यूवर्स को बताया ही नहीं कि शेरों के साथ साथ कुर्बानी के लिए एक और बकरा भी आ गया है, ये वाला। वैसे ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी जो नस्ल है वो टैडा बकरा है, टैडी, और इसलिए छोटा लग रहा है। वज़न का ये अच्छा खासा है माशाल्लाह से। और बकरी का पूछा जा रहा था, ये भी वापस आ चुकी है। ये गई हुई थी किस चीज़ में? अय्यड़ में, है ना? अय्यड़ मीन रेवड़ में गई हुई थी। और ये मुबारक भी शज़ीब आपको, लेकिन इसका तो नहीं बनती मिठाई, फ्रिज की मिठाई बनती है। चलो भाई इसकी मिठाई मैं आपको ईद पे खिलाऊंगा। वो तो ईद पे खा लेंगे ना सब कुछ। सुभान सुभान गाड़ी के साथ खेल रहा, जाना नहीं है घर को? नहीं जाना वही इंज ना कर, तू मिट्टी खांदा पिए हुए हैं। यूँ करते हैं और इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है और वो मिट्टी खाते हैं। नया तरीका मिट्टी खाने का। अच्छा घर को नहीं जाना? को नहीं जाना? तेरी अम्मी आदि भी घर पहुँचाओ तेरी। अच्छा नहीं, ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना तोड़ ना यार।
ये बड़ी गाड़ी सुभान की है और इसमें ये जो छोटी गाड़ियां वो फजर की हैं, चार गाड़ियां फजर की। उधर से ऐसा मुझे देख के छुप रहा है क्योंकि उसने शर्ट उतारी हुई है और मेरे में फ्रिज भी उसी कमरे में पड़ी है ना। पकड़ा गया ऐसन, पकड़ा गया। चलो पहन लो शर्ट, मैं नहीं दिखाता। तो ये रही शाहजेब लोगों की नई फ्रिज और इसकी तो भाई वारंटी शारंटी भी उन्होंने दी है। 10+3 का क्या मतलब है? अच्छा 10 साल है ये कंप्रेसर की और 3 साल मेरे ख्याल में है बाकी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनकी। इसके हैंडल वगैरह साथ ही फिक्स है यहाँ पे है। अच्छा हमारे के इस तरह से है ना, यूँ खोलते हैं तो माशाल्लाह कुछ ऐसी है। अच्छी है यार, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो ये डोंगे चेंज हो गए हैं, पहले वो होते थे फ्लैट वाले। इसमें कोई मिठाई स्टाई नहीं रखी हुई, खाली पड़ी है यार सारी। तो मिठाई रखते यार शहजेब, 2-3 दिन के बाद अभी मेहमान पूछने सोचने आ रहे हैं। मेहमान पूछने आ रहे हैं, फ्रिज लिए इसीलिए। चलें फिर हम मिठाई भी साथ साथ खिला देना। ओके अब पकड़ो, पकड़ो लगा गया ऐसा भाग गया क्योंकि उसने शर्ट उतारी हुई। सुभान आ जाओ। सुभान खुश है, वो नहीं जाना चाह रहा, फजर भी नहीं जाना चाह रही, लेकिन उनकी मम्मा भाई कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। बेबी रोज को हमने यहाँ पर लटकाया लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। शायद इसकी एज लिमिट पूरी हो गई है या फिर गर्मी की वजह से। यहाँ पर गर्मी सिर्फ शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है तब लग रही होती है, लेकिन ये है कि तब सूरज इतना ज़्यादा तपिश वाला नहीं होता, इनको मुरझाना नहीं चाहिए था। पानी इनको हम वक्तन फ़वक्तन लगाते रहते हैं। तो यहाँ से सारा खेत पीला पीला नज़र आ रहा है मकई की वजह से। वैसे नज़र नहीं आ रहा था, अब फुल स्क्रीन में पीला पीला हर चीज़ नज़र आ रही है और सामने जो सब्ज़ा हो रहा है क्योंकि अभी वो फ्रेश सब्ज़ा है, दोबारा से जो है वो फसलें हो रही हैं तो इसलिए ज़्यादा ग्रीन लग रहा है सब कुछ। मम्मी जी बेटा, पानी में हाथ लगाना बहुत गर्म पानी है। ये गर्म होगा ना इसमें, इसीलिए गर्म हो के आ रहा है नीचे। आप तो ठंडा लेके आए थे ना। बाइक तैयार हो गई है लेकिन बच्चा नहीं जाना चाह रहे। बच्चों को भेजने को दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन उनके मामा बाबा की बार बार कॉल जा रही हैं, वो दरिया पे इनका वेट कर रही हैं। ये फजर के देखिए खिलौने, गुड़िया, इतनी चीज़ें हैं, ये देखो कितनी ज़्यादा। हाँ जूस, अरे जूस लेके आओ फजर का। ठीक है ये खिलौने पकड़ो, बड़ी आप ही छोड़ने के लिए जा रही हैं साथ। ये लो जी जूस भी आ गया, और कुछ? सुभान अब रोएगा। ओके ये आगे लटका दो आगे। अल्लाह हाफिज। किधर जाना पिए? नाराज है मेरे से, मैं मोड़ दिन लवड़ हमसा। ठीक है सुभान, चलें जी शहर जा रहे हैं सुभान। ओके फजर। ओके आप ही की तरफ देख रहे हैं कि आप ही कहाँ हैं। चलते ले आओ। अल्लाह हाफिज। बच्चों के जाने के बाद दिल अफसुरदा हो गया लेकिन उनको जाना था और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।